हेलो एवरीवन, आई एम गार्गी गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल जीज एजुकेशन पॉइंट। आज हम दिसंबर 2020 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे यूजीसी नेट एजुकेशन सेकंड पेपर के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज मैंने आपको इससे पहले दे दी है, ये उसके आगे के 25 क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें, जिससे कि मेरी वीडियो आगे तक पहुंचे और इसका फायदा बाकी के बच्चे भी उठाएं। क्वेश्चन है, टेलरिज्म सिद्धांत में निम्नलिखित पर बल दिया जाता है, प्रबंधन में सुव्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रणालियों पर, प्रबंधन में आधुनिक प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग, उत्पादन लागत कम करना, कर्मचारियों के बीच अंतरव्यक्तिक संबंध स्थापित करना। प्रबंधन में सुव्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ प्रणालियां जो है, इस पर टेलरिज्म सिद्धांत में बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा बताने वाला कौन सा सम्मिश्रण है। दूरवर्ती शिक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें बताने वाले पॉइंट्स को हम देखेंगे। दूर से शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, दूरवर्ती नाम से ही स्पष्ट होता है कि शैक्षिक सुविधाएं जो हैं वो दूर से प्राप्त की जाती हैं। अधिगम हेतु आईसीटी तथा अन्य आधुनिक तकनीकी उपयोग करना, तो ये भी इसमें पॉसिबल है। सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, कई बार ऐसा होता है कि शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण नहीं होती और कीमत भी ज्यादा लग जाती है, तो ये ऑप्शन अभी हमारे लिए थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। भौगोलिक रूप से अगम्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, तो भौगोलिक रूप से अगम्य का मतलब ये है कि किसी भी स्थान पर बैठे हुए दुनिया में किसी भी कोने पर बच्चों को शिक्षा दी जाए, जो कि विद्यालय में आना जिनके लिए पॉसिबल नहीं है। कम अवधि में राष्ट्र की साक्षरता दर को बढ़ाना, तो अभी ऐसा इससे पॉसिबल नहीं हुआ कि हम कम समय में राष्ट्र की साक्षरता दर को बढ़ा पाए, ऐसा नहीं है। तो हमारे तीन ऑप्शन इसमें आते हैं, दूर से शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, अधिगम हेतु आईसीटी तथा अन्य आधुनिक तकनीकी का उपयोग, भौगोलिक रूप से अगम्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन है, यूके में उच्च शिक्षा संस्थानों को कौन नियंत्रित करता है, तो इसमें आंसर है केंद्रीय सरकार। यूके में केंद्रीय सरकार द्वारा उच्च शिक्षा संस्थाओं को नियंत्रित किया जाता है। किस प्रणाली में स्थानीय निकायों को इष्टतम स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है, यूएसए की प्राथमिक शिक्षा में, यूएसए के सामुदायिक महाविद्यालयों में, यूएसए की माध्यमिक शिक्षा में, भारत में प्राथमिक शिक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका ए, यूएसए के प्राथमिक शिक्षा प्रणाली जो है उसमें स्थानीय निकायों को इष्टतम स्वायत्तता सुनिश्चित की गई है। एक विद्यार्थी समूह पर 40 प्रश्नों वाला एक परीक्षण किया गया, 40 वाला समूह वाला परीक्षण है, ध्यान रखिएगा। प्राप्तांक का मध्यमान तथा मानक विचलन क्रमशः 24 और 5 पाया गया, परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक निकालने के लिए क्या करा जाएगा, फॉर्मूला ये लगाया जाएगा, के बराबर इसमें बताया गया है 40, एम बराबर 25 और एस डी है 5। तो ये हम फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व किया। जब हम यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर निकल के आया 0.6314, या फिर हम इसे कहेंगे 0.63। यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन 0.63। निम्नलिखित में से किस दशा में एक परीक्षण उपयोगकर्ता का परीक्षण प्राप्तांकों की शुद्धता में अधिक विकास होना चाहिए, इसमें है जब समजातीय प्रतिदर्श पर परीक्षण को मानकीकृत किया गया हो, जब परीक्षण के प्रश्न समजातीय हो, जब परिमाप
की मानक त्रुटि अधिक हो या जब परिमाप की मानक त्रुटि कम हो। तो इसमें आंसर आएगा जब परिमाप की मानक त्रुटि कम होती है तब हम परीक्षण प्राप्तांकों की शुद्धता में अधिक विश्वास होना चाहिए। शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, सामाजिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, राष्ट्र के कुटीर उद्योगों को सशक्त बनाना, सामान्य शिक्षा आकांक्षियों को निरुत्साहित करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा आंसर होगा, सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना। अनुदेशनात्मक अभिकल्पों के लिए कोमल तंत्र उपागम के प्रयोग हेतु निम्नलिखित में से किसे सार्थक माना जाता है? नीचे दिए कूप में से सही का चयन कीजिए। अधिगम आधारित साक्ष्यों का उपयोग, भौतिक विज्ञान के योगदान का उपयोग, व्यवहार विज्ञान में कृत शोधों के परिणामों का उपयोग, विभिन्न अधिगम संसाधनों के उपयोग से प्राप्त अंतर्दृष्टि का उपयोग, अभियांत्रिकी विज्ञान के योगदान का उपयोग। तो यहाँ बात की जा रही है अनुदेशनात्मक अभिकल्पों के लिए, किसकी? सॉफ्टवेयर उपागम की। आंसर हमारा इसमें क्या होगा? अधिगम आधारित साक्ष्यों का उपयोग। भौतिक विज्ञान से योगदान से हमारा इसमें कोई संबंध नहीं है। व्यवहार विज्ञान में शोधों का उपयोग इससे रिलेटेड है, और विभिन्न अधिगम संसाधनों के उपयोग से अंतर्दृष्टि का उपयोग भी इसमें संबंधित है, अभियांत्री का उपयोग इसमें संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर है। प्राप्तांक व्याख्या हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन समूह निकष संदर्भित कहलाएगा? सामान्यता इसमें ज्ञान और कौशल के एक व्यापक दायरे का मूल्यांकन किया जाता है। उपयोगी व्याख्या के लिए संगत संदर्भ समूह अपेक्षित होता है। उपयोगी व्याख्या के लिए एक सुपरिभाषित ज्ञान या कौशल परिप्रेक्षित्र अपेक्षित होता है। एक पूर्ण व्याख्या के रूप में एक विशिष्ट स्तर तक निष्पादन की तुलना की जाती है। संदर्भ समूह में व्यष्टि की शततमक श्रेणी किसी परीक्षण में सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की प्रतिशतता के आधार पर वर्ण श्रेणियों का दत्त कार्य। तो इसमें कूट दिया हुआ है, उसमें हमें आंसर देना है। तो इसमें से हमें कुछ आंसर को सिलेक्ट करना है, कौन से आंसर इसमें हमारे होंगे। देखिए इसमें है उपयोगी व्याख्या के लिए एक सुपरिभाषित ज्ञान और कौशल परिक्षेत्र अपेक्षित होता है। एक पूर्ण व्याख्या के लिए एक विशिष्ट स्तर का निष्पादन की तुलना की जाती है। किसी परीक्षण में सही उत्तर दिए गए प्रश्न की प्रतिशतता के आधार पर वर्ण श्रेणियों का दत्त कार्य दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा आंसर है। एक साक्षात्कार की स्थिति में कोई उत्तरदाता ऐसे उत्तर देता है जिन्हें साक्षात्कार मंडल के सदस्यों द्वारा स्वीकारे जाने की संभावना है। यह घटना तकनीकी रूप से क्या कहलाती है? कृत्रिमता, उत्तर समूह, सामाजिक वांछनीयता या परिवेश प्रभाव। आंसर इसमें सी, सामाजिक वांछनीयता इसे कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्यतः शिक्षक शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हुए हैं? किस किस से जुड़े हुए हैं? नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से। इसमें यहाँ पर आंसर इसमें दिखाया है डी, 3, 4 और 5। तो 3 पे कौन सा है? एनसीईआरटी शिक्षक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एससीईआरटी और एनसीटीई, ये तीनों टीचर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से दूरवर्ती शिक्षा की अवधारणा बताने वाला कौन सा सम्मिश्रण है? दूरवर्ती शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा के बारे में बात हो रही है। दूर से शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, अधिगम हेतु आईसीटी तथा अन्य आधुनिक तकनीकी उपयोग करना, सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, भौगोलिक रूप से अगम्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना, कम अवधि में राष्ट्र की साक्षरता दर को बढ़ाना। तो ये तो इससे पॉसिबल नहीं है कि कम अवधि में आप राष्ट्र की साक्षरता दर को बढ़ा देंगे। तो ये वाला
पॉइंट आप इसमें एलिमिनेट कर दीजिए तो यहाँ पर फोर और फाइव ए और सी जो है यहाँ एलिमिनेट हो गए, इनमें से आंसर नहीं है, आंसर है बी और डी में से। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, बी और डी में पहले वाला ऑप्शन ए वाला वन वाला ऑप्शन दोनों में है, तो ये हमारा सही है आंसर। आईसीटी तथा अन्य आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग, सेकंड वाला ऑप्शन भी इसमें ठीक है, तो देखेंगे टू दोनों में है। उसके बाद सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना इसे पॉसिबल नहीं है, और भौगोलिक रूप से अगम्यों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना इससे पॉसिबल है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें नहीं होगा, थ्री वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अब तो आंसर हमारा हो गया बी, बी आंसर में वन टू एंड फोर वाला ऑप्शन हमारा सही आएगा। एक अध्यापक ने अभिवृत्ति संबंधी व्यवहार की विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए विद्यालय के प्रति अनुकूल अभिवृत्ति विकसित करने से संबंधित एक परियोजना पर काम करना आरंभ किया, इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो शिक्षक किस विषय में अभिवृत्ति विकसित करना चाहता था, विद्यालय से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या होगा, प्रश्नावली का उपयोग उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा, जिस चीज के बारे में वो व्यू लेना चाहते हैं, किसी की ओपिनियन चाहते हैं, उस चीज में ओपिनियन प्रश्नावली के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाती है। यदि किसी बालक को अपने माता पिता और शिक्षकों से बार बार अस्वीकृति, दंड और चिढ़ाए जाने की स्थिति का सामना करना पड़ता हो तो इसकी परिणति क्या होगी, इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, जब हम किसी बालक को बार बार उसके माता पिता उसे दंड देते रहे या उसको चिढ़ाते रहे, उसको टीज करते रहे, तो बच्चा जो है बाल अपराधी बनने की संभावना उसकी बढ़ जाती है, क्योंकि वो अपराध की ओर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बाल अपराध के कारण कौन कौन से होते हैं, एक तो अनुवांशिक कारक होता है, जिसमें क्या होता है, बच्चा अपने माता पिता के अनुवांशिक गुण लेता है। यदि माता पिता अच्छा काम नहीं करेंगे तो बच्चा अच्छा काम कैसे कर लेगा, है ना। तो जिस घर में जैसे माता पिता होते हैं उनका व्यवहार और उनकी क्रियाएं, उनकी अच्छी बुरी आदतें भी बच्चा सीखता है। तो कई बार अनुवांशिक कारणों से भी बच्चा बाल अपराधी बन जाता है। शारीरिक कारण भी होते हैं, कभी कभी क्या होता है, बच्चा फिजिकली फिट नहीं होता लेकिन उसकी नीड्स बहुत सारी होती हैं, या फिर वो शारीरिक रूप से किसी को यातना पहुंचाना चाहता है, आर्थिक कारण, घर में पैसे की कमी होने के कारण बच्चा चोरी करना सीख जाता है, सामाजिक कारण भी होते हैं और विद्यालयी कारण भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संप्रेषण का कौन सा प्रतिमान मानवीय संप्रेषण के संदर्भ में सर्वाधिक अवबोध प्रदान करता है, इसमें है क्रियान्वितिकारी प्रतिमान मानवीय संप्रेषण के संदर्भ में सर्वाधिक अवबोध प्रदान करता है। एक साक्षात्कार की स्थिति में कोई उत्तरदाता ऐसे उत्तर देता है जिन्हें साक्षात्कार मंडल के सदस्यों द्वारा स्वीकारे जाने की संभावना है, यह घटना तकनीकी रूप से क्या कहलाती है, कृत्रिमता, उत्तर समूह, सामाजिक वांछनीयता या परिवेश प्रभाव। तो साक्षात्कार की स्थिति में कोई उत्तरदाता ऐसे उत्तर देता है जिन्हें साक्षात्कार मंडल के सदस्यों द्वारा स्वीकारे जाने की संभावना है, तो उसमें उत्तर आएगा हमारा सामाजिक वांछनीयता, इसे क्या कहा जाता है, सामाजिक वांछनीयता का नाम दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिगम संबंधी अक्षमता वाले बालकों के लिए विद्यार्थियों के संदर्भ में कम प्रासंगिक है, मनोवेग नियंत्रण की समस्या, अल्प या दीर्घ अवधि की स्मृति संबंधी समस्या, ध्यान केंद्रित रखने की समस्या, कक्षा में उपस्थित होने में समय की पाबंदी संबंधी समस्या। तो इसमें आंसर हमारा आएगा लास्ट वाला, कक्षा में उपस्थित होने में समय की पाबंदी की समस्या जो है वो अक्षम विद्यार्थियों के लिए नहीं है, बाकी सब समस्याएं जो है अधिगम संबंधी अक्षम रखने वाले अक्षमता वाले विद्यार्थियों में होती है। कुछ स्कूली अध्यापकों ने विज्ञान को प्रभावी रूप से पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षक सहायता सामग्री बनाई,
राज्य सरकार ने विज्ञान पढ़ाने के इस तौर तरीके को समस्त राज्यों में पढ़ाने की सिफारिश की, इसे किसका उदाहरण माना जाएगा? प्रशासनिक प्रतिमान, धरातलीय प्रतिमान, प्रदर्शन प्रतिमान, प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान। देखिए, प्रदर्शन प्रतिमान का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की आवश्यकताओं एवं समझ को विकसित करने के लिए किया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के समय शिक्षक जिन विषय वस्तु से संबंधित पाठ योजना बनाता है या करता है, उससे प्रमुख बिंदु पर आधारित प्रतिमान का निर्माण भी किया जाता है। पाठ्यचर्या विकास में प्रदर्शन प्रतिमान का होना आवश्यक होता है। इसके माध्यम से पाठ्यचर्या एवं इसकी विषय वस्तु को अध्ययन हेतु सार्थक बनाया जाता है। तो हमारा उत्तर यहाँ होगा सी, प्रदर्शन प्रतिमान इसमें आंसर होगा। भारत में अध्यापक शिक्षा के समर्थनीय गुणवत्ता आग्रह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक समुचित है? सेवापूर्ण पाठ्यक्रमों का नवीकरण, अध्यापक शिक्षा संस्थानों के प्राचार्यों का प्रशिक्षण, अध्यापक शिक्षण संस्थानों में संरचनात्मक समर्थन में सुधार, क्षमता संवर्धन के उपायों को सर्वाधिक प्राथमिकता दिया जाना। तो यहाँ पर बात की जा रही है अध्यापक शिक्षा के समर्थनीय गुणवत्ता के बारे में, और गुणवत्ता किस चीज से बढ़ेगी? अध्यापकों की क्षमता के संवर्धन से गुणवत्ता में विकास होगा या गुणवत्ता जो है वो बढ़ेगी। तो आंसर इज डी, शैक्षणिक प्रबंध के किस स्तर पर संकल्पनात्मक कौशल की सर्वाधिक जरूरत होती है? शीर्ष प्रबंध स्तर जैसे शिक्षा निदेशक स्तर पर, विद्यालय प्रधानाचार्य के स्तर पर, विद्यालय पर्यवेक्षक के स्तर पर, विद्यालय शिक्षक के स्तर पर। तो विद्यालय से संबंधित जो स्तर है वो तो इसमें संबंधित नहीं है, शैक्षणिक प्रबंध से संबंधित बात की जा रही है। तो शीर्ष प्रबंध स्तर जैसे शिक्षा निदेशक स्तर पर बात की जाएगी यहाँ पर। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ है स्कूली कार्यक्रम में निश्चित समय पर अधिगम परिणामों का आकलन करना, पाठ्यक्रम निर्माणकर्ता द्वारा तय कार्यों में छात्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना, छात्रों के अभिप्रेरण में संवर्धन तथा उसे बनाए रखना, बेहतर अधिगम हेतु फीडबैक या प्रतिपुष्टि देना। तो यहाँ आंसर आएगा ए, स्कूली कार्यक्रम में निश्चित समय पर अधिगम परिणामों को का आकलन करना। समेटिव असेसमेंट जिसे कहते हैं, इसका प्रयोग वार्षिक रूप से किया जाता है। वार्षिक मूल्यांकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें बच्चों की का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जाता है। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम जो होते हैं उसका योजना बनाई जाती है, उसके बाद में बच्चों की परीक्षाएं ली जाती हैं और उसका एक रिजल्ट भी बच्चों को दिया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों को अगली कक्षा में भेजना होता है। भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के लक्ष्य का की व्याख्या करने वाला सम्मिश्रण कौन सा है? ग्रामीण बालकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा, 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को सर्वाधिक नामांकन सुनिश्चित करना, 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बाल सार्वत्रिक प्रतिधारण सुनिश्चित करना, 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को 8 वर्ष की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, वंचित समूह के बालकों को विधिक सहायता प्रदान करना, 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को जीवन कौशल का की शिक्षा देना। जो शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की बात है वो ना केवल ग्रामीण ना केवल शहरी, वो सभी के लिए, तो पहला वाला ऑप्शन तो इसमें है नहीं, वो तो इसमें से रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण बच्चों की बात नहीं की गई है, यहाँ सभी बच्चों की बात की गई है जिन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो हमारा ए और बी ऑप्शन इसमें से हट जाता है, बचा सी और डी। सेकंड नंबर वाला ऑप्शन इसमें आता है, 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को सार्वत्रिक नामांकन सुनिश्चित करना, तो ये वाला ऑप्शन इसमें आता है। साथ ही 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों के सार्वत्रिक प्रतिधारण सुनिश्चित करना भी आता है।
उसके बाद 8 वर्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी इसमें सम्मिलित है। 8 वर्ष की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी इसमें सुनिश्चित किया गया है। अब आंसर इसमें से 2 में से 1 निकालना है। वंचित समूहों में बालकों को विधिक सहायता देना, 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को जीवन कौशल की शिक्षा देना, इसमें से आंसर देखना है हमें। तो यहाँ आंसर हमारा होगा 6 से 14 वर्ष के समूह के समस्त बालकों को जीवन कौशल की शिक्षा देना। तो आंसर इज डी, डी इज करेक्ट आंसर। एक शोधकर्ता ने कई व्यक्तियों को इकट्ठा करके सुखद वातावरण और निर्देशित परिचर्चा में सुव्यवस्थित और सामूहिक प्रश्न पूछे। उसने किस तकनीकी का उपयोग किया? ओपन एंडेड साक्षात्कार, फोकस ग्रुप तकनीकी, सहभागी अवलोकन, अनौपचारिक वार्तालाप। देखिए, उसने फोकस ग्रुप तकनीकी का उपयोग इसमें किया है। सहभागी अवलोकन में शोधकर्ता स्वयं पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ इसकी भी बात नहीं की गई है। अनौपचारिक वार्तालाप की भी बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर आंसर फोकस ग्रुप तकनीकी आएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से संगठन मुख्यतः शिक्षक शिक्षा के नीति निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण पहलुओं से जुड़े हैं? CBSE, ICSR, NCERT, SCERT, NCT। तो शिक्षक शिक्षा से संबंधित 3 संस्थाएं हैं, NCERT, SCERT और NCT। 3 संस्थाएं हमारी शिक्षक शिक्षा से जुड़ी हुई हैं। शिक्षक शिक्षा से जुड़ी हुई है और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, 3, 4 और 5। नीचे दी गई सूची में से प्रभावी पाठ्यक्रम क्रियान्वित करने की रणनीतियों की पहचान कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ईटी संसाधनों का विकास, इससे कोई मतलब नहीं है। समुचित शिक्षण शास्त्र के उपयोग के संदर्भ में अध्यापकों को क्षमता संवर्धन, जब तक अध्यापकों के पास पाठ्यक्रम निर्माण की क्षमता नहीं होगी तो कैसे काम होगा, ये ऑप्शन ठीक है। सामान्य व्यवहार में बहुविधियों का उपयोग भी पाठ्यक्रम के संचालन में किया जाएगा। राष्ट्रीय समारोह में अभिभावकों को स्कूल में आमंत्रण, ये कोई आवश्यक नहीं है, पाठ्यक्रम से इसका कोई संबंध नहीं है अभिभावकों का। शिक्षक शिक्षा शास्त्रों के व्यावसायिक समूह को प्रबल करना, तो ये भी जरूरी नहीं है इसमें। वस्तुनिष्ठ आधारित रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, तो ये दोनों मूल्यांकन हमारे पाठ्यक्रम क्रियान्वित से संबंधित होते हैं। तो आंसर इज डी, 2, 3 और 4 हमारा आंसर होगा। दिसंबर 2020 वाले 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। मैंने इसके 2 पार्ट बनाए थे, 25 क्वेश्चंस के 2 पार्ट इसके मैंने बनाए हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो और बच्चों तक भी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।